بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Inshallah, today we will be start lecture number 12, chapter number 3, multiplication and division. Topic division. I am your mathematics teacher. My name is Nadeem Ahmed Khan. Namaz ke fazail. Huzur sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka irshad hai, जिसका मफहूम है कि अल्लाह जल्ले शानहु ने मेरी उम्मत पर सब चीज़ों से पहले नमाज फ़र्ज की और क़यामत में सबसे पहले नमाज ही का हिसाब होगा। अल्लाह ताला हम सब को 5 वक्त नमाजों का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। Inshallah, today we will be able to know the concept of quotient and remainder. Take out the page number 95, book 3. Question number 1 है divide. अब एक question है हमारे पास, 88 को 4 से हमने divide करना है। अब 4 का आप table पढ़िए, 4 2's are 8, यहाँ 8 लिख दीजिए। अब 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें, कुछ नहीं बचा। अब ये 8 जो है इसको ब्रिंग डाउन कर लीजिए, नीचे लिख दें, फिर 4 का टेबल पढ़िए, 4 टू जार 8, 8 यहाँ लिख दीजिए। अब 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें, कुछ नहीं बचा। तो एक क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 22। तो 22 आंसर, ये हमारा आंसर है। बी क्वेश्चन है, 5 को 53 से हमने डिवाइड करना है। अब देखिए, 5 ones are 5 लिख दीजिए। अब 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें, कुछ नहीं बचा। 3 को हमने ब्रिंग डाउन कर लिया। अब देखिए, यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो 5 ग्रेटर नंबर है और 3 लेस नंबर है, यानी छोटा नंबर है, तो ये डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम यहाँ ऊपर क्या लगा देंगे, 0। अब देखिए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, 5 tens are 50। अगर हम 53 में से 50 माइनस करें तो रिमाइंडर क्या आता है, 3। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, 10, और रिमाइंडर क्या हो गया, 3। तो 10 रिमाइंडर 3, ये हमारा आंसर है। टेक आउट द पेज नंबर 95, बुक 3। अब यहाँ डिवाइड का क्वेश्चन है हमारे पास, 2 को हमने 248 से डिवाइड करना है। अब आप देखिए, 2 का टेबल पढ़िए, 2 ones are 2, इसके नीचे 2 लिख दीजिए। अब 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें, निल, यानी कुछ नहीं बचा। फिर आपने 4 ब्रिंग डाउन कर दिया, फिर 2 के टेबल में 4 आता है, 2 twos are 4, 4 को यहाँ लिख दिया। अब 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें, कुछ नहीं बचा। फिर आपने 8 ब्रिंग डाउन कर दिया, अब 2 fours are, यहाँ 4 लिख दीजिए, 2 fours are 8, 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा, कुछ नहीं बचा। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, 124। तो 124 ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 को आपने 668 से डिवाइड करना है। तो 6 का टेबल पढ़िए आप, 6 ones are 6, यहाँ 6 लिख दीजिए। 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें, कुछ नहीं बचा। फिर 6 जो है दूसरा नंबर, आप ब्रिंग डाउन कर लीजिए, फिर 6 ones are 6, इसके नीचे 6 लिख दीजिए। अब 6 में 6 सब्ट्रैक्ट करें, कुछ नहीं बचा। फिर ये थर्ड नंबर 8, ये आप ब्रिंग डाउन कर दीजिए। फिर 6 के टेबल को इस तरह पढ़ें कि या तो 8 आए या उसका कोई करीबी नंबर, तो 6 ones are 6, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें, 2। तो क्वेश्चन आया आपका 111 और रिमाइंडर आया 2। तो आंसर आप 111 रिमाइंडर 2, ये हमारा आंसर है। टेक आउट द पेज नंबर 95, बुक 3। क्वेश्चन नंबर 2 है डिवाइड।
अब ये क्वेश्चंस यहाँ लिखे हुए, अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। टेक आउट द पेज नंबर 95 बुक 3। ये क्वेश्चन है हमारे पास 84 डिवाइडेड बाय 4। अब 84 ये डिविडेंड है और 4 डिवाइजर नंबर है, तो 4 हमेशा ये डिवाइड की साइन के बाहर लिखा जाता है और डिविडेंड हमेशा अंदर लिखा जाता है। अब देखिए 4 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 का टेबल पढ़िए आप, 4 टूज आर 8, 8 में से 8 सबट्रैक्ट करे कुछ नहीं बचा। अब आपने 4 ब्रिंक डाउन कर दिया, फिर 4 का टेबल पढ़ा, 4 वन्स आर 4, 4 में से 4 सेपरेट करे कुछ नहीं बचा, तो क्वेश्चन क्या है हमारा 21, तो 21 हमारा आंसर है। बी क्वेश्चन है 79 डिवाइडेड बाय 7, तो अब ये डिवाइड का साइन है, अब डिवाइजर नंबर 7 बाहर और डिविडेंड 79 ये हमने अंदर लिख दिया। अब आप 7 का टेबल पढ़िए, 7 के टेबल में 7 कितनी दफा आता है, 7 वन्स आर 7, 7 में से 7 सबट्रैक्ट करे कुछ नहीं बचा। अब आप 9 ब्रिंग डाउन कर दीजिए, नीचे लिख लीजिए, अब 7 का टेबल फिर पढ़िए, अब 7 वन्स आर 7 और 7 टूज आर 14, 14 तो भाई ज्यादा हो जाएंगे, 9 है तो 7 वन्स आर 7, 9 में से 7 सबट्रैक्ट करे रिमाइंडर 2, तो क्वेश्चन हो गया हमारे पास 11 और रिमाइंडर हो गया 2, 11 रिमाइंडर 2 ये हमारा आंसर है। सी क्वेश्चन है 963 डिवाइडेड बाय 3। अब आपने ये डिवाइड की साइन बनाई, ये देखें आपने 3 लिखा और ये 963 लिखा। अब 3 का टेबल तो प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरह याद है, 3 के टेबल में 9 कितनी दफा आता है, 3 3s are 9, यहाँ 9 लिख दीजिए, अब 9 में से 9 सबट्रैक्ट करे कुछ नहीं बचा। अब नेक्स्ट नंबर 6 वो ब्रिंग डाउन कर दीजिए, फिर 3 के टेबल में 6 कितनी टाइम आता है, 3 2s are 6, यहाँ 6 लिख दीजिए, अब 6 में से 6 सबट्रैक्ट करे कुछ नहीं बचा। पर ये लास्ट नंबर इसको आप ब्रिंग डाउन कर दीजिए, 3 को ब्रिंग डाउन कर दीजिए, फिर 3 1s are 3 लिख दीजिए, 3 में से 3 सेपरेट करे कुछ नहीं बचा, तो क्वेश्चन क्या है 321, तो 321 ये हमारा आंसर है। डी क्वेश्चन है 637 डिवाइडेड बाय 3। अब ये डिवाइड की साइन है, ये देखें आपने 3 लिखा और ये 637, अब 3 का टेबल पढ़िए, 3 1s are 3, 3 2s are 6, यहाँ 6 लिख दीजिए, अब 6 में से 6 सेपरेट करे कुछ नहीं बचा, ये 3 ब्रिंग डाउन कर दीजिए, फिर 3 1s are 3, 3 लिख दीजिए, 3 में से 3 सेपरेट करे कुछ नहीं बचा, और ये 7 आप ब्रिंग डाउन कर दीजिए, फिर 3 2s are 6, अब 7 में से 6 सेपरेट करें 1 रिमाइंडर बाकी 1। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या आया 212 और रिमाइंडर 1, तो 212 रिमाइंडर 1 ये हमारा आंसर है। माय डियर स्टूडेंट्स, डू योर होम असाइनमेंट्स with neat and clean handwriting in your book 3A। प्यारे बच्चों अब आप इस आंसर की से अपने आंसर मैच कर लीजिए। प्यारे बच्चों अब आप इस आंसर की से अपने आंसर मैच कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।